हाय गाइस, मैं हूँ मोनिका। अपने चैनल कुक विद मोनिका में आप सबका वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज की 1 मिनट रेसिपी हम बनाएंगे स्पेशल ऑमलेट, बन ऑमलेट बनाएंगे। दोस्तों, बहुत आसान है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। जैसे आप रास्ते में अंडों की रेडी होती है ना, तो वहाँ से हम अलग तरह के ऑमलेट बनाते हैं, तो उन्हीं में से एक ऑमलेट रेसिपी है, बहुत ईजी है। इसके लिए दोस्तों हमें बर्गर बन चाहिए, क्योंकि हम बन ऑमलेट बना रहे हैं। तो हम बर्गर बन लेंगे तो हम दो एक साथ दो बना सकेंगे, तो आप दो बर्गर बन लें। साथ में 3 से 4 हम एग्स लेंगे, क्योंकि एग रेसिपी रेसिपी है तो दोस्तों एग चाहिए होंगी। आप 3 या 4 अंडों का इस्तेमाल करें। साथ में चाहिए बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटा हरा धनिया और हरी मिर्च भी अच्छी लगती है। हम चीज़ भी इस्तेमाल करेंगे, आप चीज़ स्लाइस दे सकते हैं, बिना चीज़ के भी बना सकते हैं। साथ में चाहिए थोड़ी काली मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे, लाल मिर्च और साथ में थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। तो देखिए, मैंने एक बाउल में ले लिए एग्स, अब उसमें मैं हरा धनिया, टमाटर और प्याज ऐड करी, अपने पसंद से ऐड करें। थोड़ी सी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी से कलर अच्छा आता है, खुशबू अच्छी आती है। इन सबको ऐड करें और अच्छे से बीट करें एग को, 1 मिनट के लिए हाथ से ही बीट करें। नॉनस्टिक पैन में दोस्तों थोड़ा सा मैं तेल लगा रही हूँ। अब थोड़ा सा तेल लगाएं, उसे अच्छे से स्प्रेड कर लें। आंच को दोस्तों कम रखें, तेज़ ना करें। और इसमें मैं सबसे पहले एग जो हमने बीट करके रखे हैं वो सारे ही पोर कर रही हूँ। सारे एग मैंने पैन में डाल दिए। इन्हें हम आधे मिनट के लिए पहले पकने के लिए छोड़ देते हैं कम आंच पर। अब दोस्तों अंडे को पलटे नहीं, आप कच्चे ऑमलेट पर एक तरफ से सिक रहा है, दूसरी तरफ आप जो हमने बन काट कर रखे थे वो लगा देंगे। उन्हें आप इस तरीके से प्लेस करें और थोड़ा हाथ से प्रेस करें। 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से आप ऑमलेट को कुक होने दें कम आंच पर, थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दें, ताकि हमारे बन जो है बहुत अच्छे से एग में अच्छे से सेट हो जाएं। और जब हम इसे पलटें तो बहुत अच्छे से पलट लें। तो चलिए, अब 1-1.5 मिनट हो चुका है, इसे पलट लेते हैं। आप पलट लें आराम से ऑमलेट को। आप इस तरीके से पलट देंगे तो देखिए बन जो है तवे पर आ जाएंगे। और अगर आपसे थोड़ा सा टूट जाता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आप उसे फिर से रीसेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो देखिए ऑमलेट हमारा सिक रहा है, दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं बन को अच्छे से। दोस्तों, हम चीज़ वाला ऑमलेट बर्गर बना रहे हैं, तो आप चीज़ के स्लाइसेस ले दो और उन्हें बर्गर बंस पर प्लेस करें। ऑमलेट गर्म है तो हमारा चीज़ जो है वो भी फटाफट से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑमलेट कुक हो गया, अब हम इसे पलट देते हैं। इस तरीके से आप एक बन को दूसरे बन पर रख दें और पूरा बर्गर की तरह एक तरह से बना दें। और इसे भी मैं पलट लेती हूँ अच्छे से। आप इसे पलट देंगे तो बहुत अच्छे से बर्गर की लुक आएगी। देखिए, मैंने दोनों तरफ से बर्गर बंस को पलट दिया। अभी हमारा बर्गर कितना अच्छा लग रहा है चीज़ वाला, और चीज़ भी दोस्तों मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। इसे हम बस 1 मिनट तक कुक करेंगे कम आंच पर। हमारा बर्गर बनकर रेडी है, तो चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए, बनकर रेडी है आपके लिए बहुत इजी रेसिपी ऑमलेट बर्गर की, चीज़ वाली। दोस्तों, बच्चों का बर्गर खाने का मन हो तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। वही घर की रखी चीज़ें हैं, लेकिन हमने कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश की, जिससे बच्चे थोड़े से तो इम्प्रेस हो ही जाएंगे। आप इसे केचप के साथ, धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें। आप इसमें मेयोनीज भी लगा सकते हैं, इसमें टमाटर खीरा भी दोस्तों लगा सकते, जिसे हम बर्गर में लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं। क्योंकि हमने इसमें प्याज ऐड की है, तो आप अलग से भी और सब्जियां लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, अगर बच्चों को अच्छी लगे। दोस्तों, एक बाइट लेनी मेरी भी बनती है। तो अगली बार दोस्तों नई रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।